बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन गोल्डन कढ़ाई, और ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। आप इस तरह से पकाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। आप इन्हें नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। आप इन्हें पराठों के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए हमने 1/2 kg मटन लिया है और हमने हड्डी के साथ लिया है। आप इस कढ़ाई को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मैं मटन के साथ बना रही हूँ। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ी प्याज है, 1 मीडियम टमाटर है और 3 अदद हरी मिर्च है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी इतना डालना है ताकि मटन अच्छे से गल जाए। सबसे पहले हमें गोश्त को गलाना होगा, पहले बॉयल आ जाए। अगर हम चिकन की कढ़ाई बनाते हैं तो वो झटपट तैयार हो जाती है, मगर मटन की या बीफ की हम कढ़ाई बना रहे हों तो उसमें वक्त लगता है। सबसे पहले हमें गोश्त को गलाना होता है। देखिए बॉयल आ गए हैं। अब गैस को हम थोड़ा स्लो कर देंगे और इसे मटन को हम पकने के लिए रख देंगे, जब तक मटन हमारा अच्छे से गल ना जाए। देखें गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और इसके हमने छिलके भी टमाटरों के अलहदा कर दिए हैं। और थोड़ा बहुत पानी गोश्त में होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। अब इसे हम साइड करते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के लिए हमने आयरन की कढ़ाई ली है। इसमें बहुत अच्छी कढ़ाई बनके तैयार होती है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और हमने बॉयल करते हुए गोश्त के अंदर भी हमने लहसुन अदरक डाला था और यहाँ पर भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। थोड़ा सा हमें लहसुन अदरक को भून लेना है ताकि इसका में जो कच्चापन और इसकी स्मेल होती है वो दूर हो जाए। लहसुन अदरक को हमने 1 मिनट करीब भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटरों का पेस्ट। ये 2 बड़े टमाटर मैंने लिए थे और इन्हें मैंने पीस लिया है, इन्हें बॉयल नहीं किया है। ये कच्चे टमाटर हैं और इनकी इस तरह से मैंने प्यूरी बना दी है। टमाटरों के ही साथ हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने लिए 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1/4 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर। अभी हम मसाले के लिए नमक डाल रहे हैं। नमक यहाँ हम लेंगे 1/2 टीस्पून। टमाटरों मसाले हमने डाले, इन्हें हम 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटरों का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएं। तो टमाटरों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें हम अपना तमाम मटन का गोश्त डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। ये तमाम मसाले डाल के हमें कम से कम 3-4 मिनट मज़ीद भूनना है। 3 से 4 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। दही हमने लिया है 1/2 प्याली। दही डाल के भी इसे हम तकरीबन 3-4 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसे चला भी लेंगे। हरी मिर्च शामिल करेंगे, ये मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे, अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। 1/2 प्याली पानी शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद हम मटन कढ़ाई को पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ही पानी डाल सकते हैं, वरना 1/2 प्याली पानी काफ़ी है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। और ये हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर से और डाल देंगे। गैस को बंद कर देते हैं। आप इस तरह से पकाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। गोल्डन मटन कढ़ाई बनके तैयार है। ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। आप इन्हें नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। आप इन्हें पराठों के साथ भी खा सकते हैं।